ये कहानी तब की है जब मैं आईआईटी कानपुर में इंजीनियरिंग का छात्र था। मेरी बहन उस समय कानपुर के ही गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। संयोगवश उन दिनों मेरे माता पिता भी कानपुर में ही रहते थे और दोनों कॉलेजों के बीच में रहते थे। मेरी माँ रोज घर का काम खत्म करने के बाद हमसे हॉस्टल में मिलने आया करती थी। उन्होंने ये निश्चित किया था कि सुबह 10 से 11 के बीच में वो कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी समय बस स्टॉप पर आएंगी और जिस दिशा की बस मिलेगी उस दिशा में या तो मेरे पास आएंगी या फिर मेरी बहन के पास चली जाएंगी। कानपुर शहर की बसें नियमित रूप से हर आधा घंटे में दोनों ही दिशाओं में चलती थी, तो हमें माँ के इस विचार में कोई भी पक्षपात नहीं लगा। पर एक महीने बाद मैंने ये देखा कि वो मुझसे सिर्फ 2 बार मिलने आई, जबकि वो मेरी बहन से 28 बार मिली। मुझे यह बात बिल्कुल कतई पसंद नहीं लगी और जब मैंने उनको इस पक्षपात के बारे में बताया तो उन्होंने बिल्कुल सच सच बोला कि उन्हें भी नहीं पता ये कैसे हुआ। बसें दोनों ही दिशाओं में निरंतर आधे घंटे में चलती हैं और मेरी माँ भी किसी भी समय 10 से 11 के बीच में सुबह बस स्टॉप पर पहुंचकर जो बस पहले मिलती है वही पकड़ लेती है। तो अब आप ही बताइए ये कैसे संभव हुआ।